हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। मान लीजिए आपके पास एक फेसबुक पेज है और आप उसको मोनेटाइज करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं, सेम लाइक यूट्यूब। तो दोस्तों, उस पर आपको वीडियो अपलोड डेफिनेटली करना ही होता है। वीडियो अपलोड करने का दोस्तों आपको वहाँ पर 30,000 व्यूज़ लाना होता है, वो भी उस व्यूज़ पे आपको एक मिनट का वॉच टाइम लाना होता है। तो दोस्तों, वो एक मिनट का वॉच टाइम कितना हुआ है आपके पेज पे, ये सारी जानकारी आप कहाँ से पा सकते हैं, ये सब चीज़ मैं आज आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मेरे पास एक फेसबुक पेज है जिस पे 7 दिन के अंदर 22,500 एक मिनट का व्यूज़ आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, एक मिनट का वॉच टाइम व्यूज़ आ चुका है। ये देखें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 सेकंड का मेरे को 51,000 मिल चुका है और 15 सेकंड का 48,000 और एक मिनट का 22,400 मेरे को यहाँ पे वॉच टाइम मिल चुका है। ये देखिए दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे भाई लोग को इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है कि उनके पेज में टोटल वीडियो, सारे के सारे वीडियोस में टोटल मिला के कितना एक मिनट का वॉच टाइम आया है, ये उन लोग को मालूम नहीं चलता। तो बहुत सारे भाई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि सर, ये हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं अपने पेज पर। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चलिए, अब ये तो आप लोग को देख लिया आपने, ये मेरा पेज का ये देख लिया, ये मैंने जैसे कि आपको बताया, ये 7 दिन का है, 7 दिन का भी नहीं है, 4 दिन का है। जी हाँ दोस्तों, 4 दिन के अंदर मेरे को 22,000 एक मिनट का वॉच टाइम व्यूज़ आ गया है। ये देखिए, आपके सामने की बात है। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा ऊपर ले जाके और भी डिटेल में समझा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 7 दिन का है, आप लोग देख पा रहे हैं, लास्ट 7 डेज है। ये आप लोग को मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये लास्ट 7 डेज का यहाँ पर है। ये देखिए, लास्ट 7 डेज का है। अब आपको क्या करना है, आपको कैसे चेक करना है, ये सारी जानकारी मैं आपको अभी देता हूँ। आपको सबसे पहले फेसबुक पे जाना है। चलिए मैं इसको सब थोड़ा सा साइड करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको, अगर आप मोबाइल पे खोल रहे हो तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र यूज़ करना है। क्रोम ब्राउज़र में दोस्तों आपको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करना है। डेस्कटॉप आपको मालूम होगा कैसे करना है, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डेस्कटॉप साइट करके आएगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, ये सेम टू सेम कंप्यूटर के स्टाइल में खुल जाएगा। ये देखिए, सेम टू सेम जैसे लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर पर खुलता है वैसे यहाँ पर खुल जाएगा। अब आपको क्या करना होता है, उसके बाद आपको अपना पेज पर जाना है। पेज पर जाके ये ऊपर पब्लिशिंग टूल करके एक ऑप्शन नज़र आता है दोस्तों, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने का दोस्तों कुछ नहीं करना है, नीचे आना, एक क्रिएटर स्टूडियो है, इस पे जाना है। 2 सेकंड लगता है इसको। तो दोस्तों, जैसे क्रिएटर स्टूडियो में आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस किस्म का आपको जितने भी आपने पोस्ट किए हैं सब कुछ नजर आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पे तीसरे नंबर पे ये देख रहे हैं आप, इसको क्लिक करना होगा। एक होम है, होम के नीचे कंटेंट लाइब्रेरी, उसके नीचे ये एक ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो मोस्टली आपको सब चीज़ मालूम चल जाएगा, आपको एक मिनट का व्यूज़ कितना हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर सामने आपको नज़र आ जाएगा परफॉर्मेंस के बारे में कि आपको एक मिनट का व्यूज़ कितना आया है, या फिर 75, ये आप देख पा रहे होंगे सामने 22,400 आया है। ये वो भी सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का भी नहीं है दोस्तों, ये 4 दिन का है। 4 दिन के अंदर मेरे को करीबन 30,000 व्यूज़ आ गए हैं। और दोस्तों, अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस पर ये आपको दिखा दिया हूँ, अभी मेरा फुल्ली जैसे 30,000 हो जाएगा तो ये मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आता दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ नहीं और डिटेल में समझना है तो मैं आपको यहाँ पे भी, ये देखिए यहाँ पे आपको मालूम चल गया 22,400 ये घंटों का एक मिनट का वॉच टाइम व्यूज़ आ चुका है। और अगर आपको और डिटेल में जाना है तो यहाँ पर लॉयल्टी करके एक ऑप्शन है, ये परफॉर्मेंस के नीचे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको चार्ट में समझ आ जाएगा और यहाँ पे आपको रिटर्न व्यूवर्स कितने हैं, या फिर थोड़ा नीचे ले जाके वो दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आके आपको डिटेल में नीचे मालूम चल जाएगा। ये देखिए, 3 सेकंड का 51,000 हो गया और 15 सेकंड का 48 और एक मिनट वॉच टाइम वेस्ट हो गया 22,400।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आने वाले टाइम में मैं फेसबुक पेज मोनेटाइजेशन के बारे में बहुत सारे वीडियो लेके आने वाला हूँ आप सभी के लिए। तो दोस्तों उसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना होगा और दोस्तों उसको उसके बाद आपको मेरा चैनल का बेल आइकन जरूर दबाना होगा, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलता हूँ मैं आप लोग के साथ एक नई वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।